महिंद्रा BS6 पिक 1.7 जिसके अंदर ये OBD लाइट आ रही है, फिर गाड़ी चलते हुए दबने की प्रॉब्लम भी है इसके अंदर। तो अब इसमें स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर एस टूल की मदद से इसमें देखेंगे क्या चीज़ की लाइट आ रही है, कौन सा कोड आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये एस टूल है, एस टूल की मदद से इसको चेक करेंगे क्या दब गया इसमें। इसमें तो ये डायग्नोस्टिक के बाद में आएगी पिकअप के बाद 6 सिस्टम इंजन कोड। तो दोस्तों इसमें आ रहा है ये जो दिख रहा है आपको, तो एक बार इनको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद एक बार देखते हैं किस वापस कौन सी चीज़ आती है, देखकर इसको क्लियर करेंगे। क्लियर हो नहीं रहा तो पहले गाड़ी बंद करेंगे, वापस चाबी ऑन करी अब एक बार क्लियर करते हैं इसको। क्लियर करने के बाद अभी पेंडिंग में कुछ नहीं आ रहा, वापस गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अभी OBD लाइट चली गई, फिर अभी कुछ नहीं आ रहा है। अभी एक बार इस गाड़ी को 5 से 7 किलोमीटर चला के देखते हैं, फिर वापस आएगी, फिर इसकी जो प्रॉब्लम है वो मालूम पड़ेगी। इस गाड़ी को 24 किलोमीटर चलाने के बाद, क्लियर करने के बाद अगर OBD लाइट तो नहीं है अभी तक, लेकिन ये जो कोड आ रहा है पेंडिंग के अंदर ये आ चुका है P01097HFM सेंसर का है। अब ये इसको देखते हैं, एक बार चेक करते हैं इसकी क्या पोजीशन है या किस कारण से आ रहा है। सबसे पहले इसका जो एयरमार्क सेंसर है ये कॉल पे एक बार चेक करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसको खोल दिया, लेकिन इसको एक बार चेंज करके फिर चला के देखेंगे, दूसरा सेंसर लगा के देखते हैं इसमें। पहले ये दूसरा लेकर आए, दूसरा लगा के देखते हैं इसका। चेंज करने के बाद वापस चला के आए हैं इसको 25 किलोमीटर, फिर वापस वही कोड आ रहा है। तो एयरमार्क सेंसर चेंज करने के बावजूद भी यही कोड आ रहा, तो अब इसको और चीज़ चेक करेंगे इसके अंदर। इसका एक इंटेक मैनिफोल्ड पे सेंसर आता है, ये चेक करेंगे कहीं ये तो चौक नहीं है, इंटेक मैनिफोल्ड तो चौक नहीं है। इस सेंसर में भी दिक्कत होती तब भी ये लाइट आती है, ये कोड आता है। बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है इसकी। इसका ये सेंसर चेंज करके देखते हैं। अब ये सेंसर नया लगाने के बाद इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, क्योंकि पुराने लगाने पर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी सेकेंड हैंड में। बाद में इसका सेंसर है जो नया मंगाया, नया लगाने के बाद में गाड़ी ओके हो चुकी है। महिंद्रा BS6 पिकअप है 1.7, ये है भाई साहब जिनकी गाड़ी है।